नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब एक साल से कम का वक्त बचा हुआ है। चुनौती हर पार्टी के सामने है, लेकिन इस बार निगाहें सबसे ज्यादा अखिलेश यादव पर होंगी, क्योंकि 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जीत का सहरा अखिलेश यादव के सिर पर बांधा गया। लेकिन इसके बाद से 2014 लोकसभा चुनाव हो, 2017 विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 लोकसभा चुनाव हो, इसमें सपा को लोकसभा कहने लगी। तीन बार से तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी का बुरा हाल है, और अब चौथी बार क्या अखिलेश यादव जीत का चौका मार पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि योगी और भारतीय जनता पार्टी का जलवा उत्तर प्रदेश में बहुत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से अखिलेश यादव उस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे जिसका नाम हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर का जिक्र होते ही महाभारत की याद आती है। आज हस्तिनापुर की ही बात करेंगे, महाभारत का भी जिक्र करेंगे, लेकिन सब कुछ सियासी होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा। मेरठ की सभा से अखिलेश का बढ़ेगा विश्वास, माहौल देखकर क्या हो रहा है आभास। हर रैली में कृषि कानून का जिक्र, क्या वाकई में अखिलेश को है किसानों की फिक्र। गर्मी तो देश भर में बढ़ रही है, लेकिन सियासत के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चुनाव होने से पहले ही थोड़ा वक्त तो हो, लेकिन 403 सीटों की लड़ाई भी तो लंबी है, इसलिए शुरुआत हो चुकी है। सभी विपक्षी पार्टियों की नजर अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश पर है। भले ही किसान आंदोलन पहले की तरह तेज नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन का जिक्र हर विपक्षी नेता कर रहा है। मेरठ के मैदान में प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही दस्तक दे दी थी, और अब यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी की कमान संभालने वाले अखिलेश यादव भी मेरठ पहुंचकर माहौल बनाने में कमी नहीं रखी। मेरठ के मवाना में अखिलेश यादव ने बीजेपी और कृषि कानून के खिलाफ जमकर हुंकार भरी है। भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस देश को गुलाम बना दिया। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जो एक कंपनी थी वो सरकार बन गई। ये तीनों कानून जब लागू हो जाएंगे तो हो सकता है हमारा किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार को भी जमकर कोसा। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ सरकार चार साल का जश्न मना रही है, दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो मुनाफा कमा रहे हो डीजल पेट्रोल से, आखिरकार इसका पैसे का मुनाफा जा कहां रहा है? ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका मुनाफा आखिरकार किसके पास जा रहा है? जिस देश की बैंकें डूबने लगे, जिस देश का किसान रोने लगे, और जिस देश का किसान नौजवान के हाथ में काम नौकरी रोजगार हो, सोचो कभी किन बातों को लेकर के आजाद हुआ है देश। इस बार अखिलेश यादव सत्ता दोबारा से हासिल करने के लिए हर तरकीब लगा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जातिगत समीकरण है। जनसभा को संबोधित करने से पहले अखिलेश यादव ने शहीद दिवस के मौके पर गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण किया। कुल मिलाकर अखिलेश यादव हर वो जुगाड़ कर रहे हैं जिससे वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच पाए। अखिलेश यादव किसानों और महंगाई के नाम पर बीजेपी और योगी सरकार को घेर रहे हों, लेकिन लड़ाई घर के अंदर तो है ही, पार्टी में भी कम बवाल नहीं है। जिस क्षेत्र में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे वो हस्तिनापुर विधानसभा में है, और इस विधानसभा में टिकट को लेकर सपा में खूब टकराव भी है। अब ये टकराव कहीं सपा के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश के सियासी महाभारत को अगर फतह करना है तो घर के महाभारत को खत्म करना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो हस्तिनापुर से महाभारत का आगाज हो चुका है, और क्या इसके सियासी मायने हैं, यही समझने और देखने की कोशिश करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से दिनेश सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में, बीएसपी से धर्मवीर चौधरी और आसिफ रमीज दाऊदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज का मेरा सबसे पहला सवाल राजकुमार भाटी जी आपसे ही है। मान गए अखिलेश यादव को, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक ही मंच से किसानों का जिक्र, डिमोनेटाइजेशन का जिक्र, जीएसटी का जिक्र, महंगाई का जिक्र, क्या उम्मीदें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से?
इसके लिए आपको अखिलेश यादव की प्रशंसा करनी चाहिए, आपको अखिलेश यादव मानना चाहिए, आपको अखिलेश यादव की चिंताओं के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर इस देश में समस्याएं 10 होंगी, उत्तर प्रदेश में समस्याएं 10 होंगी, तो जिक्र क्या ही करेंगे? ऐसा कोई नियम है क्या? या आप मोदी जी से कह के और योगी जी से कह के कानून बनवा दें, एक मंच से एक ही मुद्दे का जिक्र किया जाएगा, दूसरे मुद्दे का नहीं किया जाएगा? आप मैं कंचन जी फिर आप कहेंगे कि मैं नाराज हो जाता हूँ, मैं नाराज नहीं होता हूँ। राजकुमार भाटी जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से? कई अहम मुद्दों का जिक्र किया, कृषि कानून पर बार बार मेरा यह सवाल रहता था कि कब अखिलेश यादव सामने आएंगे और बोलेंगे, और आज किसानों को लेकर, किसानों के हित को लेकर बधाइयां भी दी है उन्होंने। आपकी भाषा पत्रकार की भाषा, आपकी बार आपने वाक्य बहुत अच्छा बोला, कई अहम मुद्दों का जिक्र किया, पत्रकार की भाषा यही होनी चाहिए। उससे पहले जो भाषा थी आपकी भी और जो आप रिपोर्ट दिखा रही थी उसमें तो शब्द प्रयोग किए जा रहे थे, पता नहीं क्या उसको, क्या किसानों की है अखिलेश यादव को चिंता, क्या किसानों का है दर्द, और किसका दर्द है? मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को, मजदूर को गला घोट दे, लोकतंत्र को गला घोट दे, मीडिया को गला घोट दे, रेल को बेच दे, तेल को बेच दे, LIC को बेच दे, सड़कों को बेच दे, स्कूल कॉलेज बेच दे, और हम बोले भी नहीं, हम आहा भी हम भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो आप पत्रकारिता को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आज अखिलेश यादव का भाषण बहुत शानदार भाषण था मवाला की रैली में, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और वो बात इस देश को समझ में आ रही है, लेकिन पत्रकारों को भी समझनी चाहिए कि चर्चा का विषय ही यही बना हुआ है। राजकुमार भाटी जी, जो अहम मुद्दे अखिलेश यादव ने आज रैली में बोले हैं उसको दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है, और इसीलिए इस विषय पर आज चर्चा भी हो रही है। लेकिन धर्मवीर जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से? प्रियंका गांधी पहुंच गई, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, अखिलेश यादव पहुंच गए, जयंत चौधरी पहुंच गए, आपकी पार्टी कब नजर आएगी? कंचन जी, इस देश में अगर गांव गरीब किसान मजदूर की अगर कोई बात करता है ईमानदारी से, तो वो बहुजन समाज पार्टी करती है, आदरणीय बहन जी करती हैं, और बाकी लोगों ने तो इस देश में जो सत्ता मिली और गांव गरीब का क्या हाल हुआ, चाहे वो ये सरकार हो और चाहे वो इससे पिछली सरकार हो, मान्यवर काशीराम शहरी विकास योजना हो, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना हो, बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पर काम करती है। और ये जो रैलियाँ आप देख रहे हैं जो हो रही हैं, जब बहन जी मैदान में उतरेंगी, मैदान में ही हैं, कब? जल्दी ही, अभी कोई चुनाव, अभी कोई चुनाव का समय नहीं है। लखनऊ के, लखनऊ के बड़े बड़े मैदानों को, एक से एक दिग्गज नेता पहुंच गए, बड़े बड़े मैदानों को पहुंच गए हैं, किसानों के लिए कर रहे थे, जहां आप पहुंच नहीं सकते। BSP कहां है बताइए ऋषि जी? BSP ये धर्मवीर जी बहुत इनोसेंट आदमी बेचारे, उन्होंने खुद पोल खोल दी, मायावती जी उतरेंगी, पोल क्या खोल दी, ध्यान दीजिए, मायावती जी उतरेंगी, उतरेंगी, ये कोई चुनाव थोड़ी चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर उतरा हुआ है, आपको शायद जानकारी नहीं है, जिला अध्यक्ष और हमारे कैडर कैंपों के माध्यम से जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, क्या लगातार जो है ग्रास रूट पर बने हुए हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भाजपा और BSP में क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि सिर्फ एडवाइजर का काम करती है मायावती। ये कोई क्षेत्रीय ठीक है, दिनेश सिंह, दिनेश सिंह जी, इनके एक नेता ठीक है, दिनेश सिंह जी से मेरा सवाल है, ऑडियो मिल रहा है मेरा उनको, राजकिशोर सिंह, दिनेश जी, समाजवादी पार्टी में मेरठ में तो हर पार्टी पहुंच गई है, लेकिन मायावती नहीं नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं नजर आ रहा है। संजीव बालियान गए थे तो उनका जमकर विरोध किया गया था। कंचन जी, आपने एक बहुत अच्छे विषय को आज चर्चा के लिए लिया है, और आपने विषय भी लिया है कि हस्तिनापुर में आज अखिलेश यादव के लिए विषय बहुत अच्छा है। ये कौन बोल रहा है? सुनिए, ऐसा आवाज नहीं आती है, कौन बोल रहा है?
धर्मवीर जी बीएसपी से। जनता इंतजार कर रही है, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का। बहुत अच्छा मुद्दा लिया है, ग्रास रूट पर जाकर तो देखिए आपको पता लग जाएगा। एक एक करके बात कीजिए धर्मवीर जी, इस तरह डिस्ट्रैक्ट होती है ऑडियंस, प्लीज एक एक करके बात कीजिए आप। धर्मवीर जी एक एक करके बात कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ, आप ऑडियो डाउन कर दीजिए। दिनेश सिंह, मेरा सवाल आपसे है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन मेरठ में पहुंचेगी और किसानों का विरोध होगा, क्योंकि साफ तौर से देखा गया है कृषि कानून पर जो आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, संजीव बालियान वहां पर पहुंचे थे, उसके बावजूद भी उनका अच्छी खासे तरीके से वहां पर कोई स्वागत तो किया नहीं गया था, हम सबने देखा था किस तरह उनका विरोध हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है किसान तब तक डटा रहेगा जब तक आंदोलन वापस नहीं होगा, और सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार भी किसानों के साथ है। कंचन जी, मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, तो आपसे निवेदन है कि जरा इनको कहिए, बिल्कुल बोलिए, आप अपनी बात रखिए, और इनका जब नंबर आ जाए तो जितनी टिप्पणी करनी हो करिए, मैं एक घंटे बैठा हूँ। देखिए, हम बार बार एक निवेदन करते हैं कंचन जी कि दो तरह के छात्र होते हैं, एक छात्र वो होते हैं जब परीक्षा आती है तब वो सीरीज लेते हैं, गाइड लेते हैं और अध्ययन करते हैं और गेंद के प्रकारेण परीक्षा में पास होने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही छात्र हैं कि जब चुनाव आता है तो ये लोग जो है चुनावी मेढक की तरह मैदान में नजर आते हैं, जैसे आज अखिलेश यादव नजर आए थे। राजकुमार पाटी जी, जवाब दीजिए, जब चुनाव आते हैं तो चुनावी मेढक की तरह आपकी पार्टी नजर आती है मैदान में, ऐसे कोई लेना देना नहीं होता है पार्टी को? दिनेश सिंह जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजकुमार भाटी जी, कंचन जी 10 सेकंड, और एक छात्र होते हैं जो 1 सेकंड, मेरा सवाल राजकुमार भाटी जी से। अरे कंचन जी, मेरी बात पूरी हो जाए ना, तय कर लीजिए। दिनेश जी की पार्टी की और दिनेश जी के नेताओं की संस्कृति है, उन्हीं से दिनेश जी भी सीख रहे हैं कि विपक्ष को अपमानित करना, विपक्ष को गाली देना। जब इनके मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं लाल टोपी वाले गुंडे, विपक्ष के लिए आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो आपसे उम्मीद क्या की जा सकती है? लोकतंत्र का सम्मान तो आपके मन में है नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता को राजनीतिक कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। आप जो अपशब्द बोलते हैं, कभी मेंढक बताते हैं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी नेवला, ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा इस देश में की है। गंदा बोलते हैं, गंदा काम करते हैं, बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालते हैं, हथियारों का माला पहना के स्वागत करते हैं और फर्जी ट्वीट करते हैं। वो इनसे दिनेश जी से पूछिए कि दुर्गेश, लेकिन राजकुमार भाटी जी, एक एक समाजवादी पार्टी में एक क्राइसिस देखने को मिल रही है, गुटबाजी देखने को मिल रही है। एक तरफ अतुल प्रधान का गुट है, दूसरी तरफ शाहिद जी की तस्वीर आज पोस्टर में ही नहीं लगी थी, जो अखिलेश यादव की रैली के पोस्टर रिलीज किए गए थे उसमें शाहिद मंजूर कहीं नजर ही नहीं आए थे। तो जब पार्टी में गुटबाजी की क्राइसिस हो रही है, 9 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, कैसे मैदान में उतरेंगे, अपने अंदर की क्राइसिस को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जिला मेरठ में हमारे 2 नेता नहीं है, 200 नेता हैं। 200 नेताओं की तस्वीर तो पोस्टर पर लग नहीं सकती थी। ये रैली अतुल प्रधान के नेतृत्व में हुई थी, अतुल प्रधान उसके संयोजक थे। ये रैली 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल धनसिंह गुर्जर की प्रतिमा अनावरण के लिए हुई थी, और जिस कॉलेज में हुई थी उसे गुर्जर कॉलेज कहा जाता है। तो इस रैली में किसी का फोटो, अतुल प्रधान का फोटो, अखिलेश यादव का फोटो ही पर्याप्त थे और किसी के फोटो की आवश्यकता नहीं थी, और धनसिंह कोतवाल गुर्जर का फोटो लगा हुआ था। इसमें प्रश्न उठाना, मैं समझता हूँ कि मुद्दे को भटकाना है। ऋषि जी, गुटबाजी नहीं है क्या समाजवादी पार्टी में? देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव आज मैदान में उतरे थे, मैंने हर बार ये सवाल किया था कि कब अखिलेश यादव जी किसान को लेकर मुद्दा उठाएंगे ट्विटर के अलावा। आज जब वो मेरठ में किसानों को लेकर उन्होंने संबोधित किया तो एक बहुत बड़ा संदेश प्रदेश को भी दिया, साथ ही केंद्रीय पार्टी को भी दिया, क्योंकि जीएसटी का मुद्दा उठाया, नोटबंदी का मुद्दा उठाया और सीधे सीधे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर निशाना साधा, योगी सरकार पर भी निशाना साधा, लेकिन जलवा कायम है योगी जी का। देखिए कंचन जी, मैं पहले एक जनरल नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, लाल टोपी दिनेश जी थोड़ा योगी जी को बता दीजिएगा, लाल टोपी सबसे पहले जेपी ने पहना था, जयप्रकाश जिसके अनुयायी आप लोग हैं, ये इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए, आप किसी को गाली मत दीजिए कि लाल टोपी पहनने वाले गुंडे होते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, अखिलेश यादव नो डाउट डायनेमिक यंग और अच्छे नेता हैं, लेकिन जब से शिवपाल यादव, देखिए अतुल प्रधान, आप किसी एक बेसिक एरिया के लेके
बात कर सकते हैं, गुटबाजी है। लेकिन शिवपाल यादव जब से समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव ने छोड़ा है, संगठन से अलग हो गए हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है। वो समाजवादी पार्टी अब नहीं है जब आप सत्ता में थे, आपके आपके साथ शिवपाल यादव जैसे ताकतवर नेता थे, और समाजवादी पार्टी को बनाने में शिवपाल यादव का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं। यदि अखिलेश यादव को भाजपा को टक्कर देना है आगामी विधानसभा चुनाव में, तो आपके जो पुराने साथी जो आपको छोड़ के चले गए हैं, उसमें प्रमुख शिवपाल यादव हैं, उनको लाना होगा, तभी आप जाके योगी को और भाजपा को टक्कर देंगे। भाजपा वो पुरानी भाजपा नहीं है। वाले विधानसभा में साथ नजर आएंगे क्या अखिलेश और शिवपाल यादव? ये अभी ऋषि मिश्रा जी बोल रहे थे क्या? जी जी, मैं ऋषि मिश्रा जी की बात का सम्मान करता हूं, उनका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं इस बात को हाईकमान तक पहुंचाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को उम्मीद है कि हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे, कोई कोई गुटबाजी नजर नहीं आएगी और सब एक कर लिए जाएंगे। और सबकी इच्छा भी यही है, पूरा प्रदेश परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शासन से, जितने क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह लोगों को अपमानित किया जा रहा है, फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं विकास के, और जो अखिलेश जी ने काम किए थे उनके फोटो लगा के प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेट्रो का प्रचार करती है, हाईवे का प्रचार करती है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का, तो ये इनके पास अपना तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो इन तमाम चीजों को समझ कर जनता समझ चुकी है कि प्रदेश का विकास अखिलेश यादव के हाथों में ही। दिनेश सिंह जी, जवाब दीजिए, काम समाजवादी पार्टी का और प्रचार बीजेपी का, राजकुमार भाटी जी का कहना है। कंचन जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, बोलिए, पूरा समय लेकर बोलिए, डेढ़ मिनट तक बोलिए, अब आप कोई नहीं बोलेगा आपको। मैंने पिछली बार भी कहा था कि दो तरह के छात्र, एक तरह का छात्र मैंने बताया था, और दूसरे तरह के छात्र वो होते हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम सिर्फ चुनाव में नहीं आते, जी का दिख रहा है, हम सिर्फ चुनाव में नहीं आते हैं। अभी हमारे बसपा के साथी कह रहे हैं चुनाव भी थोड़ी आ गया, हम मैदान में आ जाएं। ये लोग चुनाव आने पे मैदान में आते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव का इंतजार करती तब मैदान में आती है। और ऋषि मिश्रा जी ने कमेंट किया था कि लाल जी बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, जरा पहले राजनीति में पार्टी का नाम तो उच्चारो। आपको यह भी सिखाना पड़ेगा कि पार्टी का नाम क्या है। चर्चा नहीं करता हूँ, सार्थक चर्चा करिए, दर्शक आपको सुनते हैं। मुझसे कहा गया कि आप बिना रुके आप बोलिए, अब बीच में आप खुद पर अनइंटरप्टेड बोलिए। दिनेश सिंह जी, ऐसा देखिए, का नाम तो सही लीजिए, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आवाज नहीं जाती है, सही से बोलिए। लेकिन 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 ये सवाल कांग्रेस से अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय उपाध्याय जी, मैं जाऊं? नहीं नहीं, दिनेश सिंह जी, एक एक करके सबको समय दिया जाता है। धर्मवीर जी, प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ऐसे पर्सनल कमेंट इस शो पे मत किया करिए। धर्मवीर जी, प्लीज इस तरह के पर्सनल अटैक मत रखा करिए, प्लीज प्लीज मेरी विनती है आपसे, इस तरह के पर्सनल कमेंट मत किया करिए। प्लीज आपकी पार्टी तो नजर भी नहीं आ रही है मेरठ में, प्लीज इस तरह के पर्सनल कमेंट मत किया करिए। अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, जयंत चौधरी भी नजर आए थे, अरविंद केजरीवाल भी नजर आए थे, लेकिन जो अहम बातें यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं, कृषि कानून को लेकर, डीमोनेटाइजेशन को लेकर, जीएसटी को लेकर, यूपी की योगी सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला करने की कोशिश की गई अखिलेश यादव की तरफ से। कंचन जी, निश्चित तौर पे जिस तरह सरकार कर रही है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या स्टेट सरकार की, जैसे बेरोजगारी का मामला है, आलम है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, किसानों पर जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, सुरक्षा के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे जिस तरह खुला खेल चल रहा है इस देश में, क्या अंग्रेजों के समय ऐसा कभी कुछ था? मैं, अरे आप तो 25 साल से नहीं है यूपी में, क्या बात कर रहे हैं सर आप? सबसे बड़ा सवाल अजय उपाध्याय जी, 25 साल से यूपी में सरकार नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? इस पे कोई जवाब ही नहीं देता है। आप प्रश्न क्या कर रही है, यदि प्रश्न जो कर रही है उसी का उत्तर जानना चाहेंगे। हम 25 साल से नहीं, अरे भाई मैं स्काइप पे हूँ,
आप बीच बीच में आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कुछ नहीं। अरे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं दिनेश सिंह जी। सीधा सीधा योगी सरकार पर सभी विपक्षी पार्टियां जो इस पैनल में बैठी है वो हमलावर होती नजर आ रही हैं। आंकड़े झूठे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार भाटी जी ने कहा कि आंकड़े फर्जी लाए गए हैं आपकी सरकार में। पहले तो एनसीआरबी के आंकड़े जारी नहीं किए गए, हाल फिलहाल में जो एनसीआरबी की तरफ से आंकड़े जारी किए गए वो सारे फेक है। और जो नहीं आ रहा है अभी जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे, जरा इनसे पूछ लीजिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, एक एक मंत्री 100-100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे हैं, बैठ के आधा सब बता रहे हैं, शर्म नहीं आती है। बोलिएगा उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र पर चले जाएंगे, बोलिएगा बंगाल पे तो ये तमिलनाडु पर चले जाएंगे। अरे दिनेश जी प्रश्न का उत्तर दीजिए ना, ये देश में अंग्रेजी राज से भी बुरा हाल क्यों कर दिया आपकी भाजपा की सरकार? ये कौन सा राष्ट्रवादिता है? ये जो है सियासी राष्ट्रवादिता छोड़ दीजिए और ईमानदारी से। राजकुमार भाटी जी, कांग्रेस ने कहा है 100 रुपए डीजल और पेट्रोल करने को, ठीक है, ब्रेक लेने की जरूरत पड़ रही है, सभी बने रहेगा हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि हस्तिनापुर में महाभारत का आगाज हो चुका है, सियासी महाभारत का आगाज हो चुका है। ये सीट अपने आप में काफी अहम मानी जाती है। आज अखिलेश यादव जब मेरठ में पहुंचे थे तो कृषि कानून को लेकर हुंकार भरी है और देखना होगा, क्योंकि चुनाव मैदान में सभी पार्टियां उतर चुकी है, इसके नतीजे तो अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेंगे, लेकिन सभी पार्टियां इस वक्त फ्रंट फुट पे नजर आ रही है। मायावती कहां है इसका सवाल मैं लूंगी धर्मवीर जी से। हस्तिनापुर से महाभारत का आगाज हो चुका है, तमाम पार्टियां जो हैं वो मेरठ पहुंच चुकी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि बीजेपी आखिर वहां पर महापंचायत कब करेगी। संजीव बाल्यांत खास तौर पर वहां पर गए थे, हम सबने वो तस्वीर देखी थी और ये मुद्दा भी उठाया था कि संजीव बाल्यांत का विरोध हुआ था और सवाल भी कई सारे उठाए गए थे, क्योंकि जिस तरह से संजीव बाल्यांत का विरोध हुआ था, उनको भेजा गया था जाटों को मनाने के लिए, लेकिन ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। राजकुमार भाटी जी, मेरठ में क्या अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विश्वास जीत पाएंगे? माहौल देखकर क्या आभास होता है आपको? माहौल कंचन जी के इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर सहारनपुर तक भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुल जाए तो बहुत समझो, एक दो सीट मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। एक तरफा समाजवादी पार्टी की लहर है, समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ इस क्षेत्र में पूरी सीटें जीतेगी। लेकिन मैं थोड़ा एक स्पष्ट कर दूं कि आपने कहा था मैंने एनसीआरबी के आंकड़ों पर उंगली उठाई, एनसीआरबी नहीं, मैंने जो योगी आदित्यनाथ जी रोजगार के झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं उन पर उंगली उठाई, जो कह रहे हैं 4 लाख मैंने सरकारी नौकरी दे दी, ये फर्जी आंकड़ा है। और भाई दिनेश जी को 3 बार आपने मौका दिया, 3 बार एक ही बात कही कि दो तरह के छात्र होते हैं, परीक्षा के टाइम पे नजर आते हैं। अरे हम तो परीक्षा के टाइम पर ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप तो नकल करके पास होना चाहते हो, आपने पढ़ाई तो कुछ की नहीं, तैयारी तो कुछ है नहीं, इसलिए बीच में एग्जाम छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उठ जाता हूं, मैं चला जाता हूं। कोई तथ्यात्मक बात रखिए नहीं आप, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार झूठ, मैंने पूछा वो दुर्गेश चौधरी और मोहम्मद रियाज मिल गए क्या, जिन्हें बाबा ने तहसीलदार बनाया था, वो देश छोड़ के क्यों भाग गए दुर्गेश चौधरी नेपाल के लिए और बाबा ने वो ट्वीट को डिलीट कर दिया? इस तरह के झूठ के आधार पर कब तक लोगों को गुमराह करोगे, कब तक लोगों को बहकाओगे? दिनेश जी बताइए, राजकुमार भाटी जी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। देखिए यही पहले भी समाजवादी पार्टी कहते थे कंचन जी, जब चुनाव में गए थे और जब अकेले नहीं लड़ पाए तो बुआ के साथ भी गए थे और साइकिल पर सवारी की थी हाथी, और इनकी क्या स्थिति, मैं मेरठ के हाल बताता हूँ, जहाँ आज अखिलेश यादव गए थे जिस हस्तिनापुर में, मेरठ में समाज गए थे जिस हस्तिनापुर में, अभी एक सीट है इनकी, पूछ लीजिए उस शहर की एक सीट इनके पास बची है, टुकड़ा साफ हो गया है, और लोकसभा में इनका क्या हालात हुआ ये बता देंगे बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी वाले दोनों। और एक चीज मैं और कहता हूँ कंचन जी, हस्तिनापुर आपने मुद्दा लिया, हस्तिनापुर नाम तो दिनेश जी, फिर आप बीच में बोले,
धर्मवीर जी एक तो देखिए एक एक करके बात कीजिए, मौका नहीं मिलता है बात करने का, समय बहुत कम होता है हमारे पास, हर किसी के पास जाना होता है। धर्मवीर जी, दिनेश जी को उनका कमेंट करने दीजिए। धर्मवीर जी मैं इतनी बार आपको बोल चुकी हूँ, दिनेश जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप पर आएंगे। दिनेश सिंह जी इनका ऑडियो कम कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि टेलीविजन पर मैं फेडर डाउन कराती हूँ। एक एक करके बात कीजिए, इनके पास, इनके बाद आप ही के पास आ रही थी। दिनेश जी अपनी बात रखिए पूरी। कंचन जी मैं सुनता हूँ, राजकुमार भाटी हमारे अच्छे संबंधी हैं, हम लोग अच्छे, ये पार्टी के अलग अलग हो सकते हैं, मैं उनके सारों आरोप को सुनता हूँ, तो मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा था इन लोगों ने चुनाव मिलकर साथ लिया, आपने मुद्दा लिया है आज हस्तिनापुर से बिगुल ठूंक रहे हैं। अरे हस्तिनापुर क्या हुआ था महाभारत? जमीन के लिए हुआ था और नारी के प्रतिशोध के लिए हुआ था, और समाजवादी पार्टी नेपथ्य में इसलिए गई, आप भूल गए? आज आजम खान क्यों जेल में है? वही जमीन से विवाद में कैसे किसानों की जमीनों को हड़प कर आज जो जेल में है वही आजम खान थे। इनकी सरकार थी, भैंस चोरी हो गई तो रातों रात नहीं गई थी, और गायत्री प्रसाद प्रजापति इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप। अरे किसानों पर बात कीजिए ना, किसान महापंचायत भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता कब करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या आपको डर लग गया? क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों की पंचायत हो रही है, जो विरोध है कृषि कानून को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे डर गई है? कंचन जी अगर हम डर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी के हिम्मत नहीं पर गौतम बुद्ध नगर में जाने की, सभी पॉलिटिकल पार्टी वेस्टर्न यूपी में किसान महापंचायत कर रहे हैं, भाजपा किसान महापंचायत क्यों नहीं कर रही है? दूसरा सवाल है किसान 3% कृषि विकास दर से किसानों का आमदनी 2022 में दुगना कैसे कर देंगे, वो बताइए, कंटिन्यू में समझाइए। सवा 3% से किसानों का टोपी वाले गुंडे, इस तरह की भाषा यूज हो रही है। राजकुमार भाटी जी, सदन से भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया था कि टोपी में जो भी दिखता है उसको गुंडा कहा जाता है। बीजेपी पार्टी सबसे पहले जयप्रकाश जी के अनुयायी है आप लोग, जिनका राजकुमार भाटी जी, देखिए जो भाषा हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं राजनीति की भाषा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है, संविधान है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुंह से आपने किसी के प्रति अपशब्द नहीं सुने होंगे कभी, वो शालीनता के साथ बात करते हैं। हमारी सरकार बोलता है कि हम फिर भी इन्हें अपमानित नहीं करेंगे। राजकुमार भाटी से सहमत नहीं है, पत्रकारों के साथ मारपीट अखिलेश यादव के उपस्थिति में हुआ था राजकुमार भाटी, नहीं होता, इसलिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। हम किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पर रहेंगे, और मेरा एक कंसर्न भी था कि उस मुद्दे पर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, आज बोले हैं, इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, आज तो ये प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी को दिया हुआ है। अभी दिनेश जी फिर बीच में बोल रहे हैं, कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता, अभी गन्ने का मसला उठा रहे हैं। तो आप बोलते हैं, आपको एहसास हुआ कि बोलने का बोलना कैसे होता है, एहसास हुआ कि नहीं? दिनेश जी, राजकुमार जी, एहसास हुआ बीच में बोलने का? मैं तो बता रहा हूँ आपको, अगर मैं गलत बोलूं तो आप बताना, मेरी बात का जवाब। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसान ही उनका लेने जाते थे, उनका बिल 30 लाख के बिल कितने पैसा दे रहे थे, बताइए ना। 10 साल तक आपने गन्ना किसानों का मूल्य का भुगतान किया था, बताइए ना। नहरों में हेड टेक तक पहुंचता था, बताइए ना। दिनेश जी सुन तो लीजिए, अरे योगी जी ने कहा था 14 दिन में पेमेंट करेंगे और नहीं होगी 14 दिन में ब्याज देंगे। आपके 10 साल के पिछले बकाए हैं, आपको भी हमने भुगतान किया है, आपको अभी विकास नहीं दिख रहा है, तो ना दिखे आपको, आपको विकास नहीं दिखेगा। दिनेश जी देखिए, सरकार तो विकास की बातें करती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं फोकस बन रहा है आप लोगों का? हर विपक्षी दल वहां पर पहुंच गया है, क्या डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को? कंचन जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं सताता है। आप उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय श्री को प्राप्त हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर दूसरे धर्म पंथ और मजहब के लोग की बात कर रहे हैं, हम कृषि कानून के बाद की बात कर रहे हैं, हमने तो साफ दिखाया कि लोकसभा सीट में कितने वहां पर जीते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश ले लीजिए ना,
नोएडा में किसके सांसद हैं, नोएडा में कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं? अरे 103 विधायक है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, दिखाया हमने इसको, ग्राफिक्स में चल रहा है हमारे, देखिए आप जरा, सब दिखाया है, लोकसभा चुनाव के नतीजे, जो जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है वो सब कुछ दिखाया है। लेकिन आप इस मुद्दे को तो एड्रेस कीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पूरा विपक्ष घूम आया है, वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पहुंच रही है? कोई बड़े नेता क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कृषि कानून को लेकर क्यों नहीं बात क्लियर रखी जा रही है? इसी बात का तो फायदा विपक्षी उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बड़ा नेता होता है वो भी कार्यकर्ता होता है, जो कार्यकर्ता हो भी बड़ा नेता होता है, यही फर्क है। अगर ऐसा होता तो योगी आदित्यनाथ बंगाल नहीं गए होते चुनाव प्रचार के लिए। डिविजन वाइज है, ऐसा होता, ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं कंचन जी, हमारे वो कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री के, अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं वो तो, सिर्फ आपके ही मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे भी मुख्यमंत्री वही हैं, ऋषि जी के भी हैं, धर्मवीर जी के भी हैं। सबने इतना प्यार दिया है, इतना हमारे सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, जो बंगाल आसाम केरल हर जगह जा रहे हैं, बाकी जनता का, बाकी पार्टियों का तो टुकड़ा साफ हो गया है। ठीक है, कृषि कानून के विरोध में राकेश टिकैत बंगाल पहुंचे हुए थे, पांचों चुनावी राज्यों में जाएंगे, कृषि कानून का विरोध हो रहा है उसका भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आप ये बताइए ना, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी पहुंचती है, जयंत चौधरी, अरविंद केजरीवाल, आपके कोई बड़े नेता क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? विपक्षी इसी का तो फायदा उठा रहे हैं, कब पहुंचेंगे आप ये बता दीजिए। मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे किसानी से सीधा ताल्लुक है। ऋषि जी जिससे पूछे वो यही कहता है, मैं किसान हूँ। मेरा एक बेसिक सवाल है, मैं हर डिबेट में अभी 4-5 डिबेट करके आया हूँ, मेरा हर डिबेट में यही सवाल होता है, सरकार 3% में 2022 में किसानों का आमदनी कैसे कर देंगे? ये मैथ कंचन जी को समझा दीजिए, कंचन जी हम पैनलिस्ट को समझा देंगे, सरकार 3% कृषि विकास दर है, 22 में दुगना कैसे कर देंगे? ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई मैथमेटिक्स से कनेक्शन है? समझ लीजिए, समझा दूं। ओहो, समझाएंगे, बहुत तेज हो गए हैं, समझाइए। हाँ समझा रहा हूँ, बस सुन लीजिए, समझ लीजिए, समझा रहा हूँ। मोदी जी समझा नहीं पाए, समझाएंगे। हाँ बता रहा हूँ, जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ऋषि जी मैं समझाता हूँ। नंबर एक, देखिए किसानों की आय हमने कहा है 2022 तक दुगनी होगी, कैसे होगी आप कह रहे, समझा दो, मैं समझा रहा हूँ। जी जी, किसानों की आय दुगनी कैसे होती है? ऋषि जी अगर आप किसानी करते हो, किसानों को पता होना चाहिए उसकी मिट्टी में कौन सा बीज रोपित किया जाए, कृषि कानून से दुगनी होगी। हमारी सरकार ने एक एकड़ में कितने किलो का बीज लगता है, कितने किलो बीज का धान लगता है, बता दे दिनेश जी, मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। दिनेश जी बताइए, बताइए, ये तो ओपन चैलेंज किया जा रहा है। एक एकड़ के खेत में कितने किलो धान का बीज लगता है, ऐसे ही समझाने चले हैं। ऋषि जी, ऋषि जी आपसे पूछे खरीफ की फसल कब पैदा होती है, खरीफ की फसल कब पैदा होती है, आप पूछ रहे हैं एमएसपी कमेटी के चेयरमैन, आरोप आरोप एमएसपी कमेटी के आरोप लगता रहेगा। राजकुमार पाटी जी, हर रैली में कृषि कानून का जिक्र किया जाता है, क्या विपक्ष इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष को और कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, विपक्ष के पास और भी बहुत से मुद्दे हैं, सरकार की विफलताएं हर क्षेत्र में हैं, लेकिन ये जो कृषि कानून है तीन, कंचन जी, ये देश के किसान को बर्बाद कर देंगे। और इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कानून के द्वारा सरकार बना दिया गया था, अब ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों को कंपनी बनाने पर तुली हुई है। अरे राजकुमार जी, आप कितने उत्तर प्रदेश देश के किसान, मुझे बताइए, इसी तरह ये लूटना चाहते हैं किसानों को, बर्बाद करेंगे, बताइए ना। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हमें हर जगह बोलना पड़ेगा, और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे, अरे हमें लगातार इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी बात मैं दिनेश जी से कहना चाहता हूँ, दिनेश जी 2012 में हमारे 225 विधायक थे और आपके 47 थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 5 साल हमने भारतीय जनता पार्टी को कभी धमकाया नहीं, कभी अपमानित नहीं किया, आपकी बात सम्मान के साथ सुनी। आज हमारे 51 विधायक है, 51 विधायक होते हुए आप उसके झंडे में घूम रहे हैं, अपशब्द बोलने लगे, गाली देने लगे, विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं है, आप कह रहे सुपर सत्ता, हमने तो निकाला आपके उपाध्याय जी सम्मान, अजय उपाध्याय जी 2022 आपके 40 भी नहीं आएंगे, हम फिर भी आपका सम्मान करेंगे। राहुल गांधी कहाँ हैं? राजनीति के तंत्र की मर्यादा ये होती है,
ये नहीं होती जो आप करते हैं। कहिए अजय उपाध्याय जी, राहुल गांधी जी राजनीति में है, चुनाव प्रचार में है, अब इसके अरे यूपी में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? सवाल तो सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? असम एक राज्य है क्या? उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, प्रियंका गांधी हिंदुत्व की तस्वीर लेकर नजर आ रही है, हाथों में रुद्राक्ष की माला, मौनी अमावस्या में डुबकी, लेकिन सब पूरा प्रदेश पूरा देश ये सवाल और इस बात को जानना चाहता है। ऋषि जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनमें भी बहुत उत्सुकता है इस बात को जानने के लिए कि राहुल गांधी कब आएंगे उत्तर प्रदेश, आज आप बता दीजिए जनता को। ऋषि जी बेहतर पत्रकार है, हमसे अच्छा जानते हैं, कांग्रेस को समझते भी है, ये कांग्रेस की एक प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी है तो निश्चित तौर पर उनको एक ड्यूटी भी है पार्टी को आगे बढ़ाने की, और अभी चुनाव है तो असम में ही राहुल जी रहेंगे, बंगाल में रहेंगे, तमिलनाडु में रहेंगे, केरल और पौंडीचेरी में रहेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारा ये ड्यूटी भी बनता है, वो कर रहे हैं। जब वहां से हम लोग आ जाते हैं भाजपा को सही साथ देकर, तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेता आएंगे। कहां मत दी है प्रियंका जी, पूरे देश का महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? सब जगह तीन पार्टियां मिलकर सरकार बनाई, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, बंगाल में भी दिख रहे हैं, और आप पांच राज्यों में चुनाव हो रहा है, बंगाल में तो दिख नहीं रहा राहुल गांधी, मैं उसमें चर्चा करूंगा आपसे। अरे देखिए नेशनल टॉपिक है अजय उपाध्याय जी, इस पे तो आपको अपना कमेंट देना चाहिए। भाजपा को ये पसंद नहीं आ रहा है जो अजय जी बेचारे कहां से करती है भाजपा, चल नहीं पा रही है में। ऋषि जी पूछे एक सवाल है मेरा, 28 मार्च को बंगाल में पहला फर्स्ट फेज का चुनाव होने जा रहा है, आज 23 तारीख है, राहुल गांधी एक बार भी नहीं गए हैं बंगाल, बंगाल से इतना दुश्मनी क्यों आपको? आप चुनाव नहीं 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 राहुल जी शुरू के चुनावी प्रचार में गए हैं, और अभी है टाइम, राहुल जी जाएंगे कहां से तो बचा है अब 26 को धर्मवीर जी खत्म हो जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा है किस तरह से मायावती ने कई मुद्दों को उठाया है, और किस तरह से सरकार बनी, और क्या विकास का काम लखनऊ में मायावती की सरकार में हुआ है, किसानों के हित में क्या काम हुआ, ये हम सब ने देखे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है, समझ ये नहीं आ रहा है कि क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है आज, क्योंकि सलाहकार का काम करती हुई नजर आ रही है, ट्वीट पे ट्वीट, कोई जनसभा नहीं, कोई रैली नहीं, प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। कंचन जी आपकी एक तो सलाह हमको नहीं चाहिए, और ये नहीं नहीं मायावती सलाहकार का काम कर रही है, मैं कोई सलाह नहीं दे रही हूँ आपको, मैंने कोई सलाह नहीं दी है, मैंने तो सवाल पूछा है आपसे, मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, मैं सवाल पूछूंगी आपसे, मेरा हक सवाल पूछना है आपसे, पत्रकारिता ही कर रहे हैं आप, उस पे आप जवाब दीजिए, खारिज कीजिए ना खारिज कीजिए, आप जवाब दीजिए, मैं कोई सलाह नहीं दे रही हूँ, ये कोई सलाह कमेटी नहीं बैठी है, ये सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं ऋषि जी, एक एक कार्यकर्ता मैदान में है, और पूरी दमदारी के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे, अभी ये जिला पंचायत के प्रधानी के बीडीसी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, इनको पूरी दमदारी से बीएसपी लड़ेगी, और बहुजन समाज पार्टी देश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का साइलेंट कार्यकर्ता अपनी साइकिल पर जाता है और हाथी के निशान को ढूंढ करके उस पर बटन दबाता है। हमारे यहाँ पर ये कल्चर नहीं है कि बड़ी बड़ी फॉर्चुनर गाड़ियों में जाएं और शोर शराबा करें और रास्ते जाम करें और ये करें और वो करें। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डेडिकेटेड कार्यकर्ता, हम पूरी मजबूती के साथ में, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह मैदान में है, और ये जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं हम जो है पार्टी का कल्चर है, हमने मायावती की बता दीजिए, विगत दो सालों में मायावती जी यदि दो बार भी सड़कों पे उतरी हो तो बता दीजिए, अब हमको बता दीजिए, नहीं नहीं आपके कहने सड़कों उतरेंगी, क्यों क्यों नहीं पापा, आपके कहने सड़कों उतरेंगी, जनता के सेवा के लिए सवाल उठा रहे कैसे नहीं, फिर कैसे कहेंगे, फिर कैसे कहेंगे कि मायावती जी जनता के बीच में रहती है, आप कैसे कहेंगे, आप कैसे कहेंगे, आप कैसे कहेंगे कि मायावती जनता के बीच में रहते हैं, ये बता दीजिए ना, चैलेंज किया है, चैलेंज किया है, चैलेंज किया है, दो बार भी
भट्टी जी अजी सड़कों पे हो तो बता दीजिए आप हमको, बता दीजिए बताइए काफी काफी ये किसी पार्टी से नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार है, किसी पार्टी से नहीं आए हैं, सभी पार्टियों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन धर्मवीर जी आपसे सवाल जो पूछा गया है आप उसका जवाब दीजिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी इससे अच्छा तो आप ही जवाब दे दीजिए, मत दीजिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे सवाल किए जाए तो आप पत्रकारों पे ठीकरा फोड़ दीजिए, ये क्या ट्रेंड चलाया है आप लोगों ने धर्मवीर जी, इसीलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये कोई शब्द का इस्तेमाल करना होता है, ये क्या कौन सी पार्टी का सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो, ये क्या ट्रेंड शुरू कर दिया है आप लोगों ने, क्या ट्रेंड शुरू किया है, क्या ट्रेंड शुरू किया है, ये विपक्ष में इसीलिए बैठे हुए हैं वो, बिल्कुल करेंगे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये क्या है शब्दों की, कोई भाषा की शैली को ध्यान में, आपसे सवाल पूछा जा रहा है आप पत्रकारों पे जा रहे हैं, क्या पत्रकार ये क्या ट्रेंड चला दिया है, क्या विपक्षों ने क्या पत्रकारों पे जाते हैं ट्रेंड चलाया है आप लोगों ने, कहाँ है मायावती जवाब दीजिए, कहाँ है मायावती, मायावती कहाँ है जवाब दीजिए, अजय उपाध्याय, अजय उपाध्याय मेरा सवाल अजय उपाध्याय से, ऋषि जी इस तरह डिबेट मत कीजिए, ऋषि जी इस तरह डिबेट मत कीजिए, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे पत्रकार हैं, इस तरह डिबेट मत कीजिए, पता नहीं क्या ये विपक्ष का नया ट्रेंड चला है, उनसे सवाल पूछो तो सीधा सीधा लोगों की पत्रकारिता पे आ जाते हैं, इस तरह के पर्सनल कमेंट कर रहे हैं धर्मवीर जी, किस तरह के पर्सनल कमेंट कर रहे हैं आप, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए सीधे तौर पर, अपनी पार्टी का हर पार्टी से सवाल पूछते हो, अजय उपाध्याय जी आप अपनी पार्टी का तो रख नहीं सकते, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, मायावती क्यों नहीं नजर आ रही है सड़कों पर, क्यों नहीं नजर आ रही है मायावती सड़कों पर, क्यों नहीं नजर आ रही है, ये सवाल पूछे तो पत्रकार बिका हुआ है क्या, किस तरह की भाषा है ये, क्या भाषा है, क्या भाषा है, क्या भाषा है, इनका पेड़ डाउन कर दीजिए प्लीज, और पत्रकार प्लीज आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं, सवाल पूछे जाए कि मायावती सड़कों पे क्यों नहीं नजर आ रही है, ये एक नया ट्रेंड चला है, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी विपक्ष का एक नया ट्रेंड चला है, पत्रकारों पर आरोप लगाना, बीजेपी से भी उतने ही सवाल किए जाते हैं, बीजेपी से भी उतने ही सवाल किए जाते हैं, मायावती तब क्यों बीजेपी के समर्थन में आई थी राज्यसभा चुनाव में, क्यों भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था राज्यसभा में, क्यों बीजेपी को समर्थन किया था, मायावती का वो बयान मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, मायावती का वो बयान मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, करना है और डिरेल करने के लिए ये सब रणनीति होती है इन लोगों की, मायावती का वो बयान मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान बोला था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तक साथ दे देंगे, गलत बात आप बहन जी के स्टेटमेंट को पढ़िए कंचन जी, ऋषि जी क्लोजिंग समय की कमी, गलत बात बिल्कुल, देखिए किसानों के मुद्दे पर कहीं गई हो, किसी दलित के घर में गई हो, यदि कुछ प्रश्न पूछ दिया तो इसमें मिर्ची किस लग रही है, धर्म जी यहाँ करते हैं सारे सवाल किए गए, समय की कमी है, राजकुमार भाटी जी राजकुमार ऋषि जी मत, मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ, भाजपा का बी टीम की तरह आप लोग काम मत कीजिए, समय की कमी है, कम से कम प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, कंचन जी का काम है प्रश्न पूछना हमें और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक नया ट्रेंड दरअसल चला है, बता दूं यहां पर अपने दर्शकों को कि जब भी विपक्षी पार्टियों से सवाल किया जाए उनका उत्तर सीधा सीधा मीडिया पर आता है, अपनी पार्टी के नेता जब जमीन पर नहीं नजर आते हैं तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता है, मायावती जमीन पर नहीं नजर आ रही है इसका जवाब नहीं है, लेकिन विपक्ष इस बात को हमेशा बोलेगा कि हमारे पैनल में जो जर्नलिस्ट सीनियर बैठे रहते हैं वो किसी पार्टी का है, खैर
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से हस्तिनापुर में आज एक मैदान बिछा है, सियासत का मैदान बिछा है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा, ये तो विधानसभा के नतीजे दिखाएंगे। शुक्रिया।